हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होता है कि सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी चाहिए। ऑल्सो ऐसे कौन से टॉप लैंग्वेजेस है जो हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए, इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसी के लिए हम लोग आज ये कन्फ्यूजन थोड़ा दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। राइट, तो फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, वो सी होने वाला है। तो सी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो बेसिक्स है, आपकी जो कोडिंग का जो स्टार्टिंग फेज होता है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा अगर आप सी से शुरू कर रहे हो। सारे कॉन्सेप्ट जो एक बिगिनर के लिए नेसेसरी होते हैं वो सब कवर किए जाते हैं सी में। ऑल्सो आपके जो लॉजिक बिल्डिंग का फेज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर किया जाता है। तो इसलिए सी से ही शुरुआत करनी चाहिए, और सी लैंग्वेज तो सबने ट्राई करनी चाहिए। राइट, तो अभी सेकेंड लैंग्वेज पे आते हैं। तो वो दो लैंग्वेज से उसमें से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, एक है C++, दूसरा है जावा। तो C++ मोस्टली कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए यूज होता है। ऑल्सो C++ बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड लैंग्वेज है अगर आपको DSA करना है। आपको DSA तो कोई ना कोई पॉइंट पे तो आपको करना ही होगा, तो इसके लिए C++ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जावा भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। जावा यूजुअली ज्यादा डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है, कि जो एंड्रॉयड एप्स बनते हैं वो सब जावा में बनते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जावा। अगर आप आपका इंक्लिनेशन अगर ज़्यादा उस साइड में है तो बिल्कुल आप जावा प्रेफर कर सकते हो। ऑल्सो आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो भी पूरा जावा में ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो। कॉलेजेस में भी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो जावा में ही किया जाता है। राइट, तो अभी जो थर्ड लैंग्वेज है वो है पाइथन। आपको कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा कि पाइथन बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है। तो ये बिल्कुल सच है कि बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, तो आपको बहुत सारा कोड जो आप नॉर्मल लैंग्वेजेस में लिखते हो वो आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन पाइथन का ज़्यादा यूज़ डेवलपमेंट में होता है, और डेवलपमेंट के साथ साथ मशीन लर्निंग में भी पाइथन का ही यूज़ होता है। तो आपको अगर मशीन लर्निंग की तरफ जाना है या फिर आपको डेवलपमेंट के साइड ज़्यादा जानना है, पाइथन अच्छे से कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ये तीनों लैंग्वेजेस आप सबको पता होनी चाहिए। जो आगे की प्रोग्रामिंग होगी उसका लॉजिक जो है वो इन लैंग्वेजेस से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑल्सो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपके सिलेबस में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको ये सारी लैंग्वेजेस पढ़नी है। तो इसे थोड़ा सा अगर अच्छे से हम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमें भी। राइट, सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल। थैंक यू।